हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। शुरुआत करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के बारे में। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो आप ऊपर के लेवल पर कॉल सेलिंग कर सकते हैं, और उसका मैंने रीज़न भी बताया था कि बेरिश क्रॉस ओवर अभी भी वैलिड बना हुआ है। तो आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि कल जो मैंने लॉन्ग के लिए जो आपको डायरेक्शन बताया था कि मार्केट में लॉन्ग जाना चाहिए, उसका सिंपल रीज़न क्या था। एक तो आप देखें तो मार्केट 8 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट को लेके क्लोज हुआ था। दूसरा RSI और MACD का सपोर्ट था, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर था हमारे लिए वो था RSI का लेवल। RSI करीबन 60 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो 61.80 आपको पता है कि जब जब RSI के लेवल पे आता है तो मार्केट एक अच्छा खासा मूव देता है। अगर यहाँ से आप देखें तो मार्केट में जो नीचे जाने का मूव था वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट 9418 या तो फिर उससे भी ज़्यादा अगर आप देखें तो नीचे के लेवल पे जाएगा 9409। तो करीबन 21 पॉइंट मैक्सिमम डाउनसाइड एक्सपेक्टेड थी, और अगर ऊपर जाता तो ऊपर के लेवल पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 9489 का लेवल अपने को मिल सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो इतना फेवरेबल था कि वो ट्रेड लेना तो बनता था। हालांकि अगर आप देखें तो हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था उसके बिल्कुल विपरीत मार्केट आज काफ़ी नीचे चला गया, लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट जहां पे क्लोज हुआ था उससे ऊपर के लेवल पे ओपन हुआ था। और दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता चल जाए कि इस लेवल पे अगर जो मार्केट ओपन हुआ है वो सस्टेन नहीं होने वाला है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, जैसे ही मार्केट खुला, मैंने अपने जो भी सब्सक्राइबर है व्हाट्सएप सब्सक्राइबर उनको मैंने बता दिया कि इमीडिएटली आप अपने 9400 जो हमने कॉल परचेज किए थे कल उसमें से निकल जाइए और अपनी पोजीशन स्क्वायर कर दीजिए। वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के जो मूव मिला है उसके बाद हम कल क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो ये है कि अगर आप देखें तो मार्केट कहाँ पे आके रुका है। अगर आप उसका लो देखें तो वो जो बना है वो है 21 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। अब मैं आप में इसमें कुछ नहीं कहूँगा, आप जस्ट बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए कि जब जब मार्केट 21 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आया है तब क्या सिनेरियो रहा है। दोस्तों, दो ही सिनेरियो पॉसिबल है, या तो यहाँ से मार्केट कल ऊपर जाएगा और या तो कल यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अब आप बोलेंगे इसमें से क्या बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हायर है, लेकिन यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन, मैंने और मेरे सब्सक्राइबर ने आज लॉन्ग पोजीशन इसीलिए नहीं बनाई कि आप MACD का लेवल देखें। MACD बिल्कुल जीरो लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे जाता है और MACD में अपने को एक्सेलरेशन मिल जाता है तो वो जो डाउन मूव होगा वो सीधा अपने को ले जाके रुकेगा 9299, मतलब 9300 के आसपास ले जाके रुकेगा। अगर आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा मूव भी मिल सकता है, लेकिन चूंकि 100 पॉइंट का डाउन मूव एक्सपेक्टेड है मार्केट में तो इसीलिए हमने आज कोई बुलिश पोजीशन नहीं बनाई है। और अगर आप देखें तो मतलब अगर आप बैक टेस्टिंग करके देख लें तो मोस्टली ऐसा हुआ है कि जब भी 21 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट प्राइसेस रिजेक्ट होती है नीचे के लेवल पे तो मार्केट फिर नेक्स्ट डे ऊपर ही खुलता है। लेकिन यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है, अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, 2 दिन में एक्सपायरी भी है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि अभी हमने आज कोई पोजीशन नहीं बनाई है। हम इसको देखेंगे कल मार्केट कैसे ट्रेड करता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। जनरली हम जो भी मार्केट ये एक्सपायरी वाले दिन होते हैं वहाँ पे मैं ट्रेडिंग करना प्रीफर नहीं करता, क्योंकि बहुत ही चॉपिनेस रहती है और कोई भी ट्रेड अपने को अच्छे से नहीं मिल पाता, क्योंकि काफ़ी सारी पोजीशन रिवर्स हो रही है, नहीं बन रही होती है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो मेरा ये मानना है कि कल के दिन आपको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। 90% चांसेस ये है कि मार्केट 21 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लोज हुआ है तो सपोर्ट लेके ऊपर के लेवल पे खुलना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और जिसके बारे में मैं श्योर हूँ कि अगर जब तक ये बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है मार्केट कितना भी ऊपर खुलता है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो 9250 से लेकर 9500 का ऑप्शन एक्टिविटी रेंज हमें लेवल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नीचे के लेवल पे एक्टिविटी रेंज एक्सपांड हुई है। नीचे की तरफ 150 पॉइंट है, ऊपर की तरफ 100 पॉइंट है, रिस्क रिवार्ड रेशियो भी मोटा मोटा फेवरेबल नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, ये हो गई निफ्टी की बात, अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हालचाल है। अरे, मैं आपको बताना भूल गया कि कॉल और पुट में क्या पोजीशन बनी है। दोस्तों, कॉल में कॉल राइटिंग हुई है तो स्टेबल टू बेरिश पोजीशन एक्सपेक्ट करें मार्केट पार्टिसिपेंट, और 9350 के लेवल पे मोर देन 100% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है कॉल राइटिंग की तरफ, मतलब स्टेबल टू बेरिश सिनेरियो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और चूंकि स्पॉट 9400 के आसपास का है तो हम यहाँ से डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट, ऐसा इसको इन्फर कर सकते हैं। पुट की तरफ देखें तो पुट में फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी हुई है 9250 के आसपास और 9350 के आसपास, बाकी सारी जगह पे पुट शॉर्ट्स कवर हुए हैं, मतलब बेरिश पोजीशन वहीं पे भी दिख रही है। तो ये हो गई निफ्टी की बात, अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हालचाल है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने आपको जो बताया था कि आज हमने जो ट्रेड लिया था
वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने सब्सक्राइबर को मैसेज, तो ये है टुडे आपको दिख रहा है, मैंने सुबह 9:16 के आसपास ही मैसेज कर दिया था कि स्क्वायर 9400 का स्क्वायर कॉल आप स्क्वायर कर दीजिए, इफ एनी वांट्स टू होल्ड दे 9430 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर रहा है। और 9:22 पे मैं, मेरे बहुत सारे ग्रुप हैं तो मैंने इस ग्रुप में भी 9:22 पे डाल दिया था। हालांकि अगर आप देखें तो उसने मूवमेंट तक भी अच्छी खासी मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई थी और काफ़ी मतलब 10 पॉइंट का नुकसान मेरे सब्सक्राइबर को आज हुआ होगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया 10 पॉइंट 15 पॉइंट का नुकसान था और 60-70 पॉइंट का गेन था, तो ये लेना बनता था। दूसरा अगर देखें तो मैंने बताया था कि मैं क्लोजिंग के आसपास जून 400 का पुट ऑप्शन बाय करने का सोच रहा हूँ और मैं अपना जो 9400 का कॉल है वो भी अगर मार्केट ऊपर रहता तो मैं बाय करूँगा। फिर मैंने बताया कि मैं इसको कंफर्म करता हूँ, 10:38 तक की ये सिचुएशन थी, 11:17 पे मैंने बता दिया कि मैं अपना जो 9400 का कॉल ऑप्शन है वो जो मैंने 68 रुपये पे सेल किया मैं उसको बाय कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस रहेगा 9372 और टारगेट रहेगा 9413। अगर आपने देखा हो 11:24 पे आसपास तो मैंने उसको बाय किया था 36 लेवल पे और मैंने उसको सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया था 40 के लेवल पे। 11:31 पे मैंने मैसेज किया कि मैं जून 9400 का पुट ऑप्शन भी बाय कर रहा हूँ, एक बाजू मैंने कॉल भी बाय किया था, एक बाजू मैंने पुट भी बाय किया था क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट जितना ऊपर जाएगा तो वैसे उसके नीचे आने के चांसेस थोड़े एक्सेलरेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने पुट बाय किया था। 12:44 पे मैंने मैसेज भेजा कि मैंने जो 36 पे लिया था उसको मैंने 40 पे बेच दिया है। तो इसमें हमने किया था 9400 का हमने 68 के आसपास हमने मतलब 68 या 70 के आसपास हमने खरीदा था, सुबह तुरंत ही बेच दिया था तो 68 में बिक गया था, तो उसमें कोई ज़्यादा लॉस हुआ नहीं था। लेकिन फिर हमने 68 में बेच के उसको 36 पे खरीद लिया तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग थी वो काफ़ी गिर गई, तो हमारी जो हमने एक इंट्राडे ट्रेड करके प्रॉफिट कर लिया जिससे हमारी जो एग्जिस्टिंग 9400 की कॉल की होल्डिंग थी वो कम हो गई और वो आ गई थी करीबन 40 रुपये के आसपास। अगर आप देखें 70 रुपये में आपने लिया है और 36 रुपये मतलब 30 रुपये के करीब आपकी कॉस्ट घट गई, तो मतलब 40 रुपये के आसपास की आपकी कॉस्ट पड़ गई। तो फिर हमने उसको मैंने बता दिया कि 9400 का हम 40 रुपये में बेचने भी रख देंगे और 9400 में बिक भी गया, तो कोई भी लॉस हुआ नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही हुआ। फिर अब बात करते हैं कि फिर हमने क्या पोजीशन बनाई, तो मैंने आपको बताया कि फाइनली फिर मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया मैं 9400 का पुट ऑप्शन भी परचेज किया था करंट मार्केट प्राइस पे, तो वो करीबन 120 के आसपास आया था। हालांकि मैं इसको होल्ड करने वाला था लेकिन मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आ गई तो फिर हमने उसको फाइनली बेच दिया, 131 पे मैंने इसको बेच के हमने इसको सेटल कर दिया। तो ये थे मेरे आज के ट्रेड जो मैंने आपको दिखा दिए। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे 9574399901 पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं, ये प्रीमियम चार्जेबल सर्विसेज हैं, ज़्यादा चार्ज नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मूव रह सकता है। दोस्तों मार्केट का आप ये देखिए टेक्निकल्स कितना प्रिवेल करता है, निफ्टी भी 21 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही आके रुका था, अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी भी 21 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास रुका है। अगर आप निफ्टी में बैक टेस्ट करके देखें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 दिन की एक्सपोनेंशियल के आसपास क्लोज हुआ, मार्केट में नेक्स्ट डे मूव मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मिला आपको अप मूव मिला। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 21 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ है तो अब मूव मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप मैकडी देखें तो मैकडी नीचे के लेवल पे एक्सेलरेट हो गए हैं, इसलिए हमने बुलिश पोजीशन नहीं बनाई है। तो कल का मूव देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अप होना चाहिए अगर मार्केट नीचे जाता है तो। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 22,224 का लेवल तक भी छू सकता है अगर वो अपनी मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है। डिटेल स्ट्रेटेजी मैं अभी देख के अपने व्हाट्सएप सब्सक्राइबर को देने वाला हूँ। अगर मैं इसमें ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूं तो 22,000 से लेकर 23,000 मतलब नीचे की तरफ 600 पॉइंट ऊपर की तरफ 400 पॉइंट रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। और ऑप्शन में क्या स्ट्रेटजी बनी है, ऑप्शन में क्या पोजीशन बनी है उसकी बात करें तो कॉल में 22,600 में अच्छी खासी कॉल रेटिंग हुई है, मतलब मोर देन 400% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है स्टेबल टू बेरिशनेस की तरफ। और अगर पुट में देखें तो पुट में भी फ्रेश बेरिश पोजीशन बनती दिख रही है और 22,100 में मोर देन 100% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है बेरिशनेस की तरफ, फ्रेश बेरिश पोजीशन बैंक निफ्टी में बनती दिख रही है। तो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो चूँकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए और मैकडी अगर जीरो लाइन नीचे की तरफ चली गई, जीरो लाइन से नीचे चली गई तो काफ़ी अच्छा खासा ड्रैग नीचे की तरफ मिल सकता है, तो रिस्क ज़्यादा है इसलिए हमने पोजीशन नहीं बनाई है। कल का मूव देख के हम डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या पोजीशन बनानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।